हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मीरा बिस्ट और मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगी फॉर्मल लेटर्स लिखना, ठीक है। और वो भी किस में, एमएस वर्ड के अंदर। समझ लो आप लोगों के पास लेटर का पैटर्न है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नेट पे जाएंगे, यहाँ पे फॉर्मल लेटर लिखेंगे, ये सारे पैटर्न्स आपको मिल जाएंगे। इनमें से जो भी फॉर्मल लेटर लिखना है आपको एमएस वर्ड में, वो आप ले सकते। ये वाला ले लेती हूँ। ओके, चलो इसको लिखते हैं हम लोग। तो मैंने क्या किया, इस पर क्लिक किया। और क्लिक करने के बाद ये मेरे सामने आ जाएगा और मैंने इसको क्या करना, अब लिखना शुरू करना। आप चाहो तो उसकी फ़ोटो क्लिक कर देना अपने मोबाइल से लिखने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये लेटर लिखना शुरू करते हैं। ओके, तो मैं क्या गई, एमएस वर्ड में गई। ओके, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा हुआ है, एक हम लोग बॉर्डर बनाते हैं ब्लैक कलर का और उसके बाद सेक्टर 70 वर्षी न्यू मुंबई लिखेंगे। तो यहाँ गई, मेरे को बॉर्डर बनाना है। आपको पता है बॉर्डर के लिए हमें यहाँ पे जाना होता है, बॉर्डर एंड शेडिंग में जाएंगे, बॉक्स लेंगे यहाँ पे। ये स्टाइल्स हैं मेरे, जो स्टाइल तुम्हें पसंद है वो ले लो। और यहाँ से क्या करना है, कलर ब्लैक की साइज़ कितना रखना है यहाँ से ले लो, ठीक है। 1 रख लूँ मैं पीटी, 1.5 PT। शेडो वाला चाहिए या चाहिए ले लो यहाँ से। ये आपको बॉर्डर लेना, पेज बॉर्डर लेना। ओके, ये वाला नहीं लेना हमें, ब्लैक कलर। वो आपका पैराग्राफ का बॉर्डर था, जहाँ पे आपका पैराग्राफ लिखा था उसके चारों तरफ आ जाता, जबकि मुझे पेज का बॉर्डर चाहिए था। ओके कर दिया। ये देखो पैराग्राफ का बॉर्डर भी आ गया ना, क्योंकि मैंने पैराग्राफ ले लिया था, तो मैं वो पैरा यहाँ पे बॉर्डर जाके नन करना पड़ेगा। ओके, ये हट जाएगा फिर। अब क्या करना है मुझे, अब क्या लिखा था हमारा, सेक्टर 70 वाशी न्यू मुंबई है ना, ये साइड लिखा हुआ है। अगर आपने देखा होगा कि ये जो है यहाँ से तो आगे पीछे, लेकिन यहाँ से स्ट्रेट है। अगर मैं यहाँ से राइट अलाइनमेंट लिखती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ ऊपर शी सेक्टर 70 वाशी न्यू मुंबई, यही था, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, मेरा यहाँ से आगे पीछे हो रहा है ना। तो अब मुझे क्या करना है, वापस जाना है इस तरीके से। बैक स्पेस मारोगे तो वापस चले जाओगे। मैंने यहाँ पे एक टैब जनरेट कर दिया, दिस वन, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो कहीं पे भी तो आपको एक टैब बन जाएगा। इससे क्या होगा, जब मैं टैब दबाऊंगी तो डायरेक्ट वहाँ पे जम मारेगा ये। देखो आपको एक ही जगह हर जगह बनाना पड़ेगा। टैब फिफ्थ तो में जम मारा, इसमें जाओ, यहाँ से हट गया ना, इस पर क्लिक करो टैब। अगर मैं पहले ही लिख देते तो फिर आराम से बन जाता। 5 में है टैब, ठीक है। इस तरीके से करके इसका स्पेस कम कर दो, यहाँ से ये रिमूव कर दो, हो गया हमारा। अब क्या चाहिए मेरे को यहाँ से, इसके बाद मुझे द मैनेजर लिखना है, मॉडर्न रेस्टोरेंट सेक्टर 23 वर्षी लिखना है ना। चलो लिखते फिर, द मैनेजर मॉडर्न रेस्टोरेंट सेक्टर 23 वाशी, ठीक है। फिर क्या चाहिए मुझे, डेट चाहिए, लिख लो यहाँ पे 6 जुलाई 2010 या 2020। फिलहाल तो वहाँ 22 चल रहा है, तो ले लिया जे कैपिटल, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपका आना चाहिए था इस तरीके से, ठीक है। एंटर मारा मैंने, यहाँ पे लिखा डियर सर और ऑब्लिक देख के मैडम, दोनों में से कोई भी हो सकता है ना। यहाँ पे पैटर्न लिख दो। अब मेरे पास पैटर्न लिखने के लिए भी कोई पैटर्न नहीं है, तो मैं ये पूरा ही लिख दूँ है ना। अभी फ़िलहाल मैं ये नहीं लिख रही, तो मैंने यहाँ पे एक रैंड कमांड दी थी, आप यहाँ पे पूरा पैटर्न लिख देना। मैंने इतना ले लिया है ना, मैं आप चाहो तो आपको एक लाइन सेंटेंस के लिख के दिखा सकती हूँ। कंप्लेंट अबाउट अमली
वी हैड इन योर रेस्टोरेंट यस्टरडे। ओके राइट, इस तरीके से लिख सकते हो आप। ये मैक्सिमम साइज़ आपका 12 होना चाहिए, तो मैंने क्या किया इन साइज़ को सबको लेके यहाँ पे 12 कर दिया। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ हाईलाइट करनी है तो सेलेक्ट करके उसको क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से लिख दिया, ये हमारा लेटर हो गया। फिर हमें क्या लिखना है, आपका योर फेथफुली, यहाँ पे आप लिखने के बाद योर फेथफुली लिख सकते हैं। इनकेस अगर आपको योर फेथफुली इस साइड लिखना है तो वही करना है, 5 में होना चाहिए ये, और टैब दबाएंगे तो आप यहाँ पहुँच जाओगे। टैब डिफ़ॉल्ट जो होता है 0.5 का स्पेस देता है, लेकिन अगर आप उसमें यहाँ पे ऊपर से सेट कर देते हैं यहाँ से, तो वो आपका 0.5 से ज़्यादा भी स्पेस दे सकता है, और डायरेक्ट वहीं पे जम मारेगा जहाँ पे आप लिखोगे। ओके, तो अगर मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे टैब क्लिक कर देता हूँ तो जब भी मैं टैब दबाऊँगी तो वहीं पर पहुँच जाएगा। अब यहाँ पर जिसके सिग्नेचर होने या जिसका नाम लिखना चाहते हो यहाँ पर लिख सकते हो आप। तो आई होप आपको ये लेटर क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।